हेलो फ्रेंड्स, गर्ल्स ब्यूटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे थ्रेडिंग कैसे करेंगे। 40 नंबर का हमने यहाँ धागा लिया है। यहाँ 6 बार हाथ को राउंड करेंगे, 3, 4, 5, 6, इस तरह धागा को हमें शेप में लाना है और हल्के हाथों से थ्रेडिंग करेंगे। तो चलिए बताते हैं कि कैसे थ्रेडिंग करना है। पहले हमने यहाँ आईब्रो पर सूखा पाउडर लिया है, आप कोई भी पाउडर डाल सकते हैं। और फिर हम नीचे से बाल निकालना शुरू करेंगे। पहले हम नीचे से ही आईब्रो बनाएंगे। देखिए, धागा को कैंची का शेप दिया है, एक एक बाल को धागा में फंसाना है और आराम आराम से हम बाल निकालेंगे। स्किन कट भी सकता है, इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी से थ्रेडिंग करेंगे। आप पार्लर जैसा घर पर थ्रेडिंग कर सकते हैं। पहले आप हाथ या पैर के बालों पर प्रैक्टिस करें। जब आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आप आईब्रो को टच करें, नहीं तो आपका आईब्रो का शेप खराब हो सकता है। तो बायां हाथ आप ऊपर रखें, लेफ्ट हैंड, और दायां हाथ नीचे रखें, राइट हैंड। इस तरह से आईब्रो निकालें और ज़्यादा बाल एक साथ ना निकालें, आपका स्किन कट भी सकता है। एक एक बाल को अच्छे से निकालें। अब ऊपर से निकालेंगे। आईब्रो के साथ साथ आप फोरहेड भी साफ कर लें और अच्छा आपका आईब्रो का लुक आता है। तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें, बहुत ही इजी है थ्रेडिंग करना। देखिए इनका कितना ओवर ग्रोथ है, कितना अच्छा से राउंड शेप में आईब्रो बना है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। जब आपका थ्रेडिंग पूरा हो जाए तो कोई भी मसाज क्रीम से आईब्रो पर मसाज कर लें, या कॉटन के सहारे से टोनर में भी लगा सकते हैं। बहुत लोगों को थ्रेडिंग करने के बाद स्किन पर दाना निकल आता है या सूजन हो जाता है, तो आप मसाज करेंगे तो थोड़ा ही देर में सूजन ठीक हो जाएगा। यदि कहीं आपका आईब्रो का बाल छूट गया है तो उसे फिर से दोबारा चेक कर लें, अच्छे से बाल को साफ कर लेंगे। देखिए यहाँ हमारा आईब्रो बन के तैयार है, कितना अच्छा आईब्रो बना है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करने। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।